मध्य प्रदेश के खरगोन में मेडिकल व्यापारी के बेटे का अपहरण का मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी कर सीसीटीवी कैमरे की मदद से सर्चिंग शुरू कर दी। नाकेबंदी की सूचना मिलने के बाद कार में सवार अपहरणकर्ताओं ने रात को 2 बजे बलवाड़ा के पास व्यापारी के बेटे को छोड़ा। पुलिस ने महज 3 घंटे में रात के 2 बजे युवक का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। खरगोन जिला मुख्यालय पर मैनगांव थाना क्षेत्र के खंडवा रोड पर रहने वाले 32 वर्षीय युवक व्यापारी आशय महाजन अपने दोस्तों के साथ गोपालपुरा के पास स्थित होटल में खाना खाने गया था। लौटने के दौरान अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने अचानक धक्का देकर चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया। पीड़ित युवक के दोस्त ने तत्काल 100 नंबर पर डायल किया। मामले की सूचना SP धर्मवीर सिंह को मिलने पर उन्होंने तत्काल सभी मार्गों पर नाकेबंदी और सर्चिंग लगाई, साथ ही दुकानों के CCTV फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने रात में ही सर्चिंग शुरू की। SP के मुताबिक अपहरणकर्ता 3 थे। अभी सभी अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। SP धर्मवीर सिंह के निर्देश पर खरगोन पुलिस ने युवक का महज 3 घंटे में बलवाड़ा के पास एक सुनसान स्थान में रेस्क्यू किया और सफलतापूर्वक खरगोन लेकर पहुंचे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। उसको लगभग 2 बजे के करीब उसका फोन आ गया था कि मेरे को छोड़ गए हैं और कहाँ पे छोड़ा है ये मेरे को जानकारी नहीं है। ढाबे का नाम लिखा है वैष्णो देवी और एक जगह हरियाणा ढाबा लिखा है, दोनों बंद है और मैं अकेला हूँ। कल रात लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि आशय महाजन नामक युवक जो अपने 3 साथियों के साथ होटल में खाना खाने गया था, उसके 2 साथी पीछे छूट गए थे और आशय के साथ उसका एक दोस्त अजय गुप्ता था। ये लोग स्कूटी पे जा रहे थे। उसी समय एक पल्सर गाड़ी पे सवार 2 युवकों ने ओवरटेक किया और ज़बरदस्ती पल्सर गाड़ी में बिठा के उसको ले गए। इसके बाद जब उन्होंने पीछा किया तो पता लगा कोई 4-व्हीलर गाड़ी है, कार स्विफ्ट गाड़ी है, उसमें उसको लेके चले गए हैं। पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्काल नाकाबंदी की और आसपास के जो बॉर्डर के ज़िले हैं बड़वानी, उन ज़िलों को सूचित किया गया, नाकाबंदी की गई। CCTV कैमरे के माध्यम से और जो जानकारियां आशय महाजन के दोस्त के माध्यम से प्राप्त हुई उसमें गाड़ी का नंबर क्लियर हुआ। वो गाड़ी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड थी। बड़वानी अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षकों से रात में संपर्क किया गया और गाड़ी की डिटेल जानकारी ली गई। ये पता लगा कि गाड़ी अभी रिसेंटली खरगोन डिस्ट्रिक्ट में बिकी है। खरगोन में जो डीलर थे उनसे बात की गई तो ये फाइनली ये निकल के आया कि जो व्यक्ति आशय महाजन का दोस्त था वकार, वो गाड़ी लेके आया था उधारी के लिए और वो कहीं ना कहीं घटना में इन्वॉल्व है। पुलिस ने जो नाकाबंदी की तो नाकाबंदी के दौरान आशय महाजन को जो आरोपी थे वो बलवाड़ा थाना क्षेत्र में छोड़ के चले गए थे। पुलिस की टीम ने जाके उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया है, उसका मेडिकल कराया गया है। इस घटना के संबंध में मैनगांव थाने में अपहरण का धारा 365 केस रजिस्टर किया है। तो प्राइमरी जो इन्वॉल्वमेंट है उसके दोस्त का समझ में आ रहा है, बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन रहा, जो त्वरित कार्रवाई की गई, उसमें सुरक्षित तरीके से जो विक्टिम था उसको रेस्क्यू करा लिया गया है, पुलिस की कस्टडी में। केस को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कारण अभी चूँकि कोई आरोपी पुलिस की हिरासत में नहीं आया है तो अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही स्पष्ट होंगी। इसमें एक 4-व्हीलर का उपयोग हुआ है जो कि उसका दोस्त ही उसको लेके आया था, तो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होंगी। कितने लोग सर उसमें अपहरण करता? जो विक्टिम ने बताया है उस समय जो कार जिसमें उसको लेके गए उसमें 3 लोग मौजूद थे। 3 लोग के अलावा जो उसका दोस्त है वो भी इस घटना में शामिल था जो कि अभी फरार हो गया है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही घटना के पूरे इंटेंशन और कौन कौन आरोपी इन्वॉल्व हुए उसकी स्थिति स्पष्ट होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।